आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और जैसा योगी जी इस क्षेत्र के जो वीरता के नाम पर, धर्म के नाम पर, शांति के नाम पर इसने देश को दुनिया को एक संदेश दिया, ऐसी बुंदेलखंड की धरती को मैं नमन करता हूं कि मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला। हम याद करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई जी का जिनकी वीर गाथा हम सब लोगों ने सुनी है, पढ़ी है और जिन्होंने अपना योगदान वीरता का जो परिचय दिया वो सिर्फ बुंदेलखंड ही याद नहीं करता, वो उत्तर प्रदेश सिर्फ याद नहीं करता, सारा देश उनकी वीरता की गाथा गाता है। इस बात को आपको समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। मैं यहां चित्रकूट के पास भगवान श्री राम माता जानकी ने अपने वनवास का लंबा समय गुजारा, ऐसी पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी चित्रकूट में की थी, इस पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां भूत सम्मेलन में आया हूं और मैं भूत अध्यक्षों का जब मैं उत्साह देख रहा हूं तो मुझे संपूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक भूत अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में विजय की हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था इसको सम्मेलन बोले या जनसभा बोले, किस पार्टी के पास सम्मेलन बूथ के अध्यक्षों के इकट्ठ रहने से अगर जनसभा हो जाती हो उस पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहूंगा मीडिया के भाइयों को जरा कैमरा मेरे तरफ से और मन से हटाकर जरा ये बूथ अध्यक्षों को दिखाइए, साली छोटे हैं। और अब मैं ही जानता हूं चाचा का स्वभाव कि कॉफी पीने और कोई दूसरा तो जाएगा नहीं, लेकिन एक बात सच है कि कितने भी कड़क दिखें या नाराजगी हो लेकिन राजनीति में जो भावुक हो इंसान होता है वो शायद इनसे ज्यादा भावुक नेता हमने नहीं देखा। और अगर नेता भावुक है और नेताजी जैसा नेता भी भावुक हो और उस पार्टी में हो तो सोचो वो पार्टी गरीबों के बारे में क्या सोचती है। इसलिए मैं इस मौके पर जितने भी साथी आए हैं, जितने भी लोग उपस्थित समाजवादी, मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया है, संभव हुआ है। बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए जो न केवल हमें बल्कि बहुत सारे लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी का आशीर्वाद है, पैसों की जरूरत है और एक एक पाई को ढंग से खर्च करने का काम योगी जी कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं।
इसको बीच में कालखंड आया था कोरोना का। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गई, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, मैं आपको नमन करता हूं और गौरव से मेरा छाती थोड़ी हो जाती है कि मैं ऐसे पार्टी का अध्यक्ष हूं जब सारे लोग गौर हो गए थे, तब आपने निकल करके जनता की सेवा की, समाज की सेवा की, इसको आपको समझ रहा है। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता, ये कौन है, ये मेरा भाई है, ये कौन है, ये मेरा चाचा है, ये कौन है, मेरा भतीजा है, ये कौन है, मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े? यहां बढ़ता है तो आप जैसे बूथ में काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विकास पर विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रवाद